हेलो गाइस, मेरा नाम वर्मा पेंटर है और ये आज मैं आपको स्पेक्चुलर टेक्सचर मानने जा रहा हूँ, जिसका बेस कोड ये है 2029। ये इसका बेस कोड है और इसे रोलर से दो कोट मारे कम से कम, और बेहतरीन करके मारे रोलर से। ये इम्प्रेशन में बनाए, इसका बेस कोड इम्प्रेशन में बनाए और इसे रोलर से अच्छी तरह से लगा लें। पहला कोट सूखने के बाद तब दूसरा कोट लगाएं और इसे अच्छी तरीके से लगा लें। और इसे थोड़ी देर सूखने दें लगाने के बाद, कम से कम 6 घंटे। ये हमारा फाइनल कोट लग चुका है बेस कोट का, और बेस कोट लगने के बाद फाइनल कोट आपका ऐसा दिखेगा। अब इसको हम 6 घंटे के लिए सूखने देंगे। ये हमारा टॉप कोट है जो कि हमने सिल्वर में बनाया है, इम्प्रेशन के सिल्वर मेटेलिक में। इसमें हमने येलो स्टेनर डाल के बनाया है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको एक प्लेट के द्वारा लगाएं। लगाने के बाद ये डिजाइन बहुत ही सुंदर दिखता है। इसमें ना ही आपका जोड़ आएगा, इसे आप रोलर से भी लगा सकते हैं। दो तरीके से बन सकता है ये डिजाइन, रोलर से भी और पत्ती से भी। अगर आप अकेले हो तो पत्ती से ही लगाने में फ़ायदा है, क्योंकि रोलर के लिए एक आदमी और चाहिएगा। और लगाने के बाद ये मेरी आधी दीवार कंप्लीट हो चुकी है। देखो, आप कहीं इसमें जोड़ नहीं दिखेगा। देखो कितनी सुंदर लग रही है ये दीवार। उसके बाद ये 12x12 की वॉल है, जिसमें हमारा 250 ग्राम पेंट लगाया है टॉप कोड। अगर रोलर से लगाओगे आप तो तकरीबन 1 लीटर लग जाएगा, इसलिए आप पत्ती से लगाएं। कंप्लीट होने के बाद हमारी वॉल कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ये देखिए, ये अभी गीली है, इसको सूखने के बाद भी हम आपको दिखाएंगे। और ये इसका नाइट विजन है, सूखने के बाद हमारी वॉल इस तरह चमकेगी। भाई लोगों, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, अगर आप लोगों को कराना हो, पसंद आया हो। इस तरीके के अनेक टेक्चर आते हैं हमको करने। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं पेंट से रिलेटिव। ये देखिए, नाइट विजन में कैसी लग रही है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं।